ये है 4.5 केजी का, और अगर मैं इसे देखूं, ओ बाप रे भाई कितनी आवाज आ रही है। वैसे ये है काफी हट्टा कट्टा है, लेकिन मैं इससे ज्यादा हट्टा कट्टा हूँ इसलिए मैं इसे उठा सकता हूँ। अब इसे वापस रख देते हैं। एंड ये है मेरे पास एक छोटी सी चीज जो कि बड़ी काम की है, मैं इससे एक्सरसाइज कर सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं और कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, मैं दोनों तरीके से ही पकड़ता हूँ। इसका आज के वीडियो से बहुत ताल्लुक है, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ये है मेरे पास एक छोटा सा 9 वोल्ट का बैटरी, इसमें जो है बहुत सारा ऊर्जा होता है, और आज के इस वीडियो में हम यही टेस्ट करने वाले है कि किसी भी चीज में जो है कितना ऊर्जा होता है। आपको क्या लगता है इस लकड़ी के टुकड़े में और इस प्लास्टिक के ढांचे में और इस छोटे से बैटरी में किसमें सबसे ज्यादा जो है एनर्जी छुपा होगा? मैंने यहाँ पे नीचे उनका वेट्स पहले से ही लिख के रखा है ताकि मुझे जो है कैलकुलेट करना ना पड़े। एंड कैमरा को ठीक से पकड़ लेता हूँ, तो फिर ये है 20 ग्राम्स का, ये है ये है 200 ग्राम्स का, एंड ये है 4.5 किलोग्राम्स का। तो फिर आज मैं देख लेता हूँ मेरे पॉकेट में क्या रखा हुआ है। ये एक पर्ची है, इसे पढ़ के देख लेता हूँ। एक हाथ से खोला नहीं जा रहा। तो इसमें एक इक्वेशन है, ये थोड़ा सा देखा तो लग रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है E=mc², तो फिर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसमें जो है ई का मतलब होता है एनर्जी, एम होता है एमसी का मतलब जो है आप कुछ और मत समझ लेना, एम का मतलब होता है मास, एंड ये जो सी है इसके लिए पूरा सा एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। अभी के लिए मैं इसको बस छोटे में स्पीड ऑफ लाइट लिखता हूँ। वैसे ये सी का मतलब जो है स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, लेकिन मैं बस लिख देता हूँ क्योंकि ये सिंपलिसिटी के लिए। वैसे ये बच्चे ऐसे लिखते हैं, मैं नहीं लिखता, बस मैंने लिख दिया पता नहीं क्या करके। अब हम जो है इस इक्वेशन का यूज करके जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इस चीज में, लकड़ी के ढांचे में कितना सारा ऊर्जा हमारे हमें मिलता है। तो फिर इक्वेशन के हिसाब से ऊर्जा इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। तो फिर इक्वेशन जो है बहुत सारा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। मेरा वाइपर है, वैसे वाइपर की जरूरत पड़ गई, मैं इस अपने गंद को मिटा देता हूँ। सबसे पहले शुरू करेंगे इस छुटकू के साथ। तो फिर ये हुए 20 ग्राम्स। तो फिर अगर मुझको जो है इस एनर्जी की इक्वेशन में लगाना है, तो फिर मुझे सबसे पहले इस 20 ग्राम्स, ये जो है मास की यूनिट तो है लेकिन SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट क्या होता है इस पे पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैं एक दिन शायद से बना दूंगा, लेकिन इसको यहाँ पे प्लग कैसे करें, इसको मैं उठा के यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ, हुआ नहीं वैसे। तो फिर मैं करूँगा क्या कि इस 20 ग्राम को लूँगा और फिर इसे कन्वर्ट कर दूँगा केजीस में। तो फिर ये आ जाता है 0.02 केजीस, सही है ना? हाँ सही है, ये 0.02 केजीस से आता है। तो फिर मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, एनर्जी equals मास जो कि है हमारा 0.02 times c। अब इस c की वैल्यू क्या है मुझे गूगल से देखना होगा, लेकिन जो है मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो फिर स्पीड ऑफ लाइट की जो है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 300,000 किलोमीटर
वेट, रुको मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, रुको मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं देख के आता हूँ गूगल से। ओके गाइस, मैंने गूगल से वैल्यू देख लिया है और वो वैल्यू है 2997924458। कॉमास लगा देता हूँ क्योंकि ये जो है देखने में आपको सर चकरा रहा होगा। मीटर्स पर सेकेंड, यहाँ पे पता नहीं मैंने जो स्लाइस लिखा है नहीं लिखना चाहिए था। एंड अगर इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ तो सॉरी मुझे यहाँ पे एक स्क्वायर लगाना होगा, लग गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँ तो फिर शायद मैं कभी शुरू करके जो है कभी ख़त्म ना हूँ। इसलिए जो है मैं एक काम करूँगा, मैं सीधे से अपना कैलकुलेटर निकाल लूँगा। पे कैलकुलेटर ऐप है गाइस, उससे कैलकुलेट करूँगा वरना मैं नहीं कर पाऊँगा कैलकुलेट। ये रहा, सीधा हूँ ना, ठीक है। तो फिर मुझे मल्टीप्लाई करना क्या है कि क्या करना था, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर गाइस हमारा एक आंसर आ चुका है, ये तो बहुत लंबा है। तो मैं करूँगा क्या कि शुरू के जो है ये जो 3 डिजिट्स आपको दिख रहे हैं मैं इसे लूँगा और बाकी के सारे डिजिट को जो है ना मैं कैंसिल, मैं जो है इग्नोर कर दूँगा क्योंकि मैं तो कोई प्रोफेसर प्रोफेसर नहीं हूँ। तो फिर क्या नंबर है, 1.797 इंटू जो है इसके पीछे जो है आ जाएंगे 15 जीरोस। 15 जीरोस को जो है अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 10^15 ऐसे लिख रहा हूँ। एंड ये हमारा आंसर E=, ये पता नहीं इस नंबर को क्या बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता। और फिर एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल्स। तो फिर ये जो हमारा आंसर आता है 1797 एंड जो है मैं 15 जीरो लिखूँ क्या, ठीक है नहीं लिखता मैं, टू 15 जीरोस एंड ये हमारा आंसर। तो फिर कहाँ गया मेरा एक छोटा सा बैटरी, ये देखो इस छोटे से बैटरी में इतना दम है, इतना दम है कि जो है इतना ज़्यादा नंबर 15 जीरोस आपने कभी ज़िंदगी में देखे हैं, 15 जीरोस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि इतने बड़े नंबर से, नंबर की एनर्जी से आप क्या कर सकते हो। तो वह सबसे पहला उदाहरण है, इतने सारे एनर्जी से जो है आप जो है अपने घर को 5 साल तक चला सकते हो, 5 साल के लिए आप फ्री में एनर्जी ले सकते हो। इस छुटकू से बैटरी को खरीदो, ये जो है करीब मुझे जो है पड़ा था 18 रुपए का, पता नहीं आपको कितना मिलेगा, वापस शायद डिस्काउंट भी चल रहा हो सकता है। इस छोटे से बैटरी में इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है कि आपके घर को जो है 5 साल तक पावर कर सकता है, सुन रहे हो, 5 साल तक, बस 5 साल तक नहीं, ये तो आपके घर की बात हो रही है ना। अगर आपको फ्यूचर में इलॉन भैया बनना है तो फिर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होगा ना रॉकेट भेजने के लिए। रॉकेट में सबसे ज़्यादा आपको कॉस्ट जो है, अगर बाकी एस्पेक्टों को छोड़ दे तो फिर आता है फ्यूल का। बस ये छोटा सा छुटकू बैटरी खरीदो और फिर अपने रॉकेट को जो है स्पेस में फेंक दो, इसमें इतनी क्षमता है, देख रहे हो इस छुटकू से बैटरी पे कितनी क्षमता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे जो है बहुत ही कम जो है मुझको जो है इमेज दिखने को मिल रहा है। एंड फिर मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि ये जो बैटरी है इतनी ज़्यादा पावर नहीं दी, इससे पहले ये ख़त्म हो। हाँ गाइस, ये ख़त्म हुआ बैटरी है, देखो मैं टच भी कर रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, और क्योंकि ये ख़त्म हो गया एंड ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, मैं इससे डिसअपॉइंटेड हूँ।
एंड ये क्यों खत्म हुआ एंड फिर थियोरेटिकली हमें इतना सारा एनर्जी इससे क्यों मिला और रियल लाइफ में क्यों नहीं मिला, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फिर ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, हाँ ये वाली E=mc², इस पे जो है ना एनर्जी एंड मास को जो इक्विवेलेंट बताया गया, इसका मतलब ये है मास और फिर एनर्जी। अब पता नहीं मैं कैसे बताऊँ, एनर्जी आप खुद समझ जाओ कि क्या चीज है, वो दोनों जो है इक्विवेलेंट है। इसका मतलब जो है अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा पूरी तरीके से एनर्जी में, तो जाके मुझे इतना बड़ा नंबर देखने को मिलेगा। इसमें आपको अगर आपको नहीं, मैं लिख ही देता हूँ ना 1797 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतना ज्यादा एनर्जी जो है इस छुटकू से युवराज सेल में है। तो फिर ऐसा तब होता है जब जो है ना मैं इस पूरे के पूरे मास को जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन पूरे के पूरे मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है एंड ऐसे युवराज सेलों का तो मैं कर भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है अभी के लिए। तो जब तक फ्यूचर में कोई नई टेक्नोलॉजी हमें डिस्कवर नहीं करते, तब तक जो है इस छुटकू से बैटरी से इतना ज़्यादा एनर्जी पॉसिबल तो है निकालना, लेकिन अभी ये हम नहीं निकाल सकते। तो फिर इस युवराज सेल को जो है जाने देते हैं। हाँ, मैं अच्छा काम किया एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट पर। नेक्स्ट कैंडिडेट जो है मैं मेरे कुछ सालों से बहुत काम आ रहा है, ये एक चीज है जो कि मेरा एक कजिन जो है छोड़ के चला गया था, मैंने चुरा लिया उससे। तो फिर इसका वेट जो है मैंने निकाल के रखा है ऑलरेडी 200 grams। ग्राम जो है SI यूनिट नहीं होता, तो मैं इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर दूंगा SI यूनिट में। 200 ग्राम्स होता है 0.2 की चीज का, 200 ग्राम्स होता है 0.2 की चीज का, एंड कीजी हमारा फेवरेट यूनिट है, तो फिर हम इसी के लिए कीजी को यूज करेंगे। फिर से लिख देता हूँ E=mc², एंड ये ब्राइटनेस को क्या हो गया, हाँ E=mc² एंड हो गया ब्राइटनेस एडजस्ट हो गया। तो फिर मैं मास को जो है यहाँ पे बस प्लग इन कर देना है, जो कि प्लग करना कोई बच्चा भी कर लेगा, 0.2 × c² जो कि हमारा क्या था भाई, ओह माय गॉड, ये तो बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं, मैं अपने नॉलेज से फिर से लिख देता हूँ 2 था मल्टीप्लाई बाय 2 9 9 7 9 2 4 5 2 4 5, लास्ट डिजिट क्या था, 3 था क्या, नहीं 8 था, 8² एंड अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर मुझे एक रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं जो है मल्टीप्लाई जो है 3 × 3 ऐसे तो करने वाला हूँ नहीं, वो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, इसको देखो मत। तो फिर मैं अपना कैलकुलेटर निकालूंगा, मेरा फेवरेट कैलकुलेटर, एंड ये रहा, यहाँ पे बस मुझे ये कर देना है, इसकी जगह पे मुझे जीरो पॉइंट जीरो टू लगा देना है, एंड इस पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों जीरो लिखा है, एंड हमारा रिजल्ट फिर से आ गया, हमारा रिजल्ट आया 1797 1797 1797, एंड बाकी के नंबर्स को जो है मैं इग्नोर करने वाला हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल है, 2 10 power 15। अब ये जो है बहुत ही बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि आप सोच ही नहीं हुए,
उदाहरण के लिए बता दूं, ये जो है पूरे टोक्यो को कुछ दिनों के लिए पावर कर सकता है। कुछ दिन अगर कम हो गए तो फिर पूरा एक महीना तो पावर कर सकता है ये, समझ रहे हो? टोक्यो को पूरा महीना पावर कर सकता है इतना एनर्जी। अब मैं इतना रोज एक्सरसाइज तो करता हूँ, इससे मुझे भी पावर मिलती है, लेकिन ये पूरे टोक्यो को कुछ एक महीने तक पावर कर सकता है, समझ के? अब मेरे पास ज्यादा कॉमेडी करने के लिए बचा नहीं है, तो वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं, मैं थक गया हूँ। वीडियो को रिकॉर्ड करने से ज्यादा उसके प्लानिंग में जो है आप मेरा दिमाग खर्च होता है। तो फिर ये है 4.5 kg का, एंड यहाँ पे मुझे एक एफर्ट जो है कम लगाना पड़ेगा, जो कि है यूनिट को जो है SI यूनिट में कन्वर्ट करना। एनी ऑलरेडी SI यूनिट में, तो फिर बस मुझे लिख देना E=mc², जो कि होता है E=4.5 × ये 299792458² ओके। फिर से मेरा कैलकुलेटर निकालते हैं, इस बार जो है थोड़ा सा बड़ा नंबर आया है, हम 4.5 देखो गाइस कितना ज्यादा नंबर है, जो है बड़ा आया है, मेरे तो देख के ही चक्कर खा रहे हैं। तो फिर मैं लिख देता हूँ वैल्यू जो है, मेरा टैबलेट खराब हो जाएगा। 4.0044×10^17 ये जो है बहुत बड़ा नंबर है। तो फिर ये है एनर्जी, एंड ये है एनर्जी यूनिट जूल्स। अब आपको आइडिया देने के लिए मैं जो है उदाहरण देता हूँ, ये कितना एनर्जी है, ये इतना एनर्जी है कि जो है ये जो है एक टोक्यो जैसे बड़े सिटी को 55 days तक पावर दे सकता है। एंड अगर पूरे दुनिया की पावर की डिमांड की बात करें तो फिर ये वह कुछ करीब 1.6 days जो है ये काम करेगा, फिर जो है ये ख़त्म हो ही जाएगा। इस लकड़ी के ढांचे में इतना पावर है कि ये टोक्यो को 55 days और पूरे दुनिया को कुछ एक और आधा दिन जो है ये पावर कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आज के वीडियो के लिए, इतना ही, एंड बाय।